एक सड़क हादसे में जिला ऊना के हरोली के चंदपुर माजरा गांव के शमशेर ने दुर्घटना में बुरी तरह घायल अपनी पत्नी के अंग दान करने का निर्णय ले न केवल एक प्रेरणादायक फैसला किया है बल्कि पत्नी सुषमा को भी अमर करने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। सुषमा राणा के गुर्दे व कॉर्निया और आंखें अब चार लोगों को नया जीवन दे रही हैं। शमशेर की पत्नी सुषमा 30 जनवरी को स्कूटी की दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गई थी और उसके सिर पर अधिक चोट भी लगी थी। दुर्घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा और ऊना अस्पताल में घायल अवस्था में सुषमा राणा को पहुंचाया गया, जहां से उसकी अवस्था को गंभीर देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। पीजीआई में भी डॉक्टरों ने फिर से प्रयास किया लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। पीजीआई में उपचार के दौरान सुषमा ने दम तोड़ दिया। पीजीआई में अंग दान का कार्य देखने वाली टीम ने शमशेर सिंह से संपर्क कर उन्हें अंग दान बारे जानकारी दी और काउंसलिंग की। हालांकि इस मौके पर किसी भी प्रकार का फैसला आसान नहीं था, लेकिन शमशेर के साथ सुषमा राणा के भाई ने भी हिम्मत दिखाई और अंग दान करने का फैसला लिया। इसके बाद पीजीआई की ट्रांसप्लांट टीम ने तुरंत कार्रवाई की। सुषमा के दो गुर्दे दो कॉर्निया के लिए जरूरतमंद रोगियों को बुलाया गया, सभी टेस्ट कर मिलान किया गया और गुर्दे व कॉर्निया को चार रोगियों में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट भी किया गया। ऐसे पुण्य व साहसिक फैसले से शमशेर सिंह का गम चाहे खत्म ना हो सकता हो, लेकिन पत्नी की कमी व जीवन साथी के जाने का खालीपन सदैव खलेगा। इतना हौसला भी जरूर होगा कि सुषमा के कारण चार लोगों को नया जीवन मिला है। शमशेर सिंह का कहना है कि परिवार के सदस्य का बिछड़ना क्या होता है, इसका एहसास परिवार का सदस्य खोने से महसूस हो रहा है। आज जब मेरे बच्चों को माँ की जरूरत थी तो सुषमा हमें छोड़कर चली गई। उन्होंने आशा जताई कि उनके इस निर्णय से दूसरे बच्चे अपनी माँ बचा पाएंगे और यही पत्नी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सुषमा अपने पीछे अपनी दो बेटियां और एक बेटा छोड़ गई हैं। शमशेर सिंह की मां ने तो आज उनकी वजह से चार लोगों को जिंदगी मिली है। शमशेर ने सड़क हादसे का शिकार होने वाले लोगों के परिजनों से भी अंग दान करने की अपील की है। सोच तो वैसे ज्यादा तो उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि अब देखो अब उनके जिंदगी तो जा ही चुकी है, पर उनके पार्ट्स के और जितने भी पार्ट्स निकलते हैं वे आगे किसी को जीवन दान मिल जाए तो उन्होंने मेरे को प्रिपेयर किया तो मैं भी हो गया और मैंने जैसे बोल दी तो एक बड़ा फैसला था जी, बॉडी पार्ट्स को डोनेट करने के लिए तो जी। आपको नहीं लगता कि इसके लिए काफ़ी जो है सहनशीलता की जरूरत है? हाँ वो तो है ही है। तो जैसे धार्मिक तरीके से देखा जाए तो मेरे बड़े साला साहब भी साथ थे, वो भी बोल रहे थे वैसे है तो टफ टास्क है पर फिर भी जैसे डॉक्टर ने भी सलाह दी पोस्टमार्टम तो होना ही है, कांड शांड तो होनी होनी थी तो बाकी फिर दिमाग में यही आया अब वो तो चले गए, अब किसी को जीवन दान मिलता है ठीक है जी, उसके साथ हम भी उनके साथ कल को बैठ कर कोई दो बातें कर ले, थोड़ा दिल में यही होगा भी वो जिंदा है अभी भी। तो आज के लिए मेरे साला साहब शाम के टाइम नहीं मान रहे थे, सुबह के टाइम लेके जाना था उन्होंने, फिर मैंने एक बार फिर हिम्मत दिखाई, जरा मैंने पूछा साला साहब को भी देखो यार अब आइज का ही ज़्यादा है, हम बाकी पार्ट तो अंदर होंगे, पेपर से दिखा जैसे मेरे को पता चला उसमें लिखा हुआ था उन्होंने किडनी और आइज थी जो चार लोगों के काम आई। हाँ जी फैसला तो मुश्किल होता ही है जी, अब पर फिर भी किसी की जान बचे या कोई उनकी आंखों से संसार को देख सके उससे बड़ा पुण्य क्या था, बाकी अब हमारे साथ तो जब होना हो ही गया नहीं, कमी तो उनकी कमी तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता नहीं, कमी वाली बात है, कमी तो कभी भी पूरी नहीं होगी। अब देखो अभी तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सिंपैथी है, अब और 15-18 दिन के बाद जब मैं अकेला होऊंगा तो उसका एहसास तो तब मेरे को ढंग से तब पता चलेगा, उसके बाद क्या है क्योंकि घर का सारा बच्चे वगैरह अब बच्चे भी छोटे हैं उनको भी देख रहे हैं सारा कुछ वही करते थे, मेरे को घर का मतलब 1% भी नू लेने दी। मैं तो औरों को भी यही बोलना चाहता हूँ, अब देखो जो जाने वाला वो तो चला गया है, अब जो पीछे कोई तड़प रहा है कोई 10 साल से तड़प रहा है कोई 15 से है, तो अगर
हमारा पार्ट या कोई भी हमारे शरीर का अंग किसी के काम आ जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो बेचारा वैसे भी तो ऐसे ही जी रहा है, क्या बता 30 साल जिएगा, तड़प तड़प के जिएगा। अगर हमारा पार्ट लगने से अगला बंदा थोड़ा ठीक हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी सुधरती। मैं तो औरों को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी को करें। वो वहाँ पर हॉस्पिटल मेरे को उन्होंने बताया भी कि हिमाचल के जो है, हिमाचल से 75% अंगदान किए गए। वहीं परिवार की माने तो सुषमा की सामाजिक कार्य में काफी रुचि थी, इसलिए वे अपना ज्यादातर समय समाज सेवा में लगा दी थी। परिवार की माने तो मौत के बाद सुषमा जीवित है और 4 लोगों को नया जीवन दान दिया है। आज सुषमा की कमी महसूस हो रही है और ये कमी जीवन भर उन्हें महसूस होती रहेगी। सर, हमारी भाभी जी बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे, जवराता भी रखा हुआ था 10 तारीख का, तो उनकी सामाजिक मतलब सेवा करने में पहले से इच्छा थी। यहाँ भी सोशल वर्क करते हैं गाँव में भी, मतलब वो अपना नाम नहीं चाहते थे कि बस सोशल वर्क करना चाहे। तो जो बॉडी पार्ट डोनेट किए हैं ये उनके और उनके हस्बैंड दोनों की इच्छा थी पहले से ही, तो इस कारण किए हैं। और बहुत ही अच्छा डिसीजन, मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने। मरकर भी वो जीवित और लोगों को भी हाँ जी, ऐसा ही है। अब जैसे उनकी आंखों तो अभी भी दुनिया देख रही है, तो 2 लोगों का भला हुआ है उससे, हमें भी चलो आशीषें मिलेंगी, परिवार वालों को भी हिम्मत मिलेगी उससे। चाहते हैं अच्छा हुआ है अगर 4 परिवारों को उससे जीवन मिला है, अगर 4 परिवारों को तो बहुत बढ़िया हुआ। मैसेज सर ये है कि हमारे जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनसे आगे आना चाहिए हमें। अगर आप ऐसे डोनेट करेंगे तो लोगों को जीवन भी मिलेगा, उनके जैसे कहते हैं जो अब जीव छोड़ गया है हमें, तो उन्हें भी अच्छे वो चाहिए होते हैं विचार। अगर डोनेट करते हैं तो उनके घर की अच्छी आशीषें भी हमें मिलेंगी, तो ये अच्छी चीज़ है, डोनेट करनी चाहिए।